बोलो साधो सत्साहे। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज को सत्साहे। भाई एक बार सभी ये आड़कस छोड़ के और शोर शराबा छोड़ के एक बार सत्साहेब का नारा जोर से लगाएंगे। बोलो साधो सत्साहेब। सत्साहेब का मतलब है सत्य ही साहेब है और साहेब ही सत्य है। ये नारा जहां तक भी जाता है वहीं तक ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। नमो नमो माता पिता जिनसे बना शरीर, नमो नमो गुरुदेव जी, मेरा किया भजन में सिर जी। हाँ नमो नमो गुरुदेव जी और नमो नमो भगवंते। सतगुरु ने की साहेब जी तुमको नमो अनंत अनंत जी। सतगुरु की प्यारी साध संगत, वाणी गाते और सुनते हमें बहुत दिन हो गए। आज हमारे मन में एक विचार आया कि रविदास जी महाराज जी, केवल रविदास जी या संत या महात्मा नहीं, एक विचार है विचार। रविदास का मतलब है रवि, रवि माने प्रकाश और प्रकाश के सब दास हैं रविदास। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। और हम बार बार जितने भी सत्संग होते हैं सब में सुनते हैं कि रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन ये हमारे मन में प्रसन्न है कि वो राज कब आएगा और कैसे आएगा? ये हमें जानना है। उनका सपना यदि पूरा होगा तो ये जानने से होगा, जय जयकार करने से नहीं होगा। चमार शब्द, चमार एक शब्द है, कोई जाति या धर्म नहीं। और शब्द, शब्द को कोई आज तक पूरे संसार में कोई मिटाने वाला नहीं हुआ। चमार, चय माने चमड़ा, मैं माने मांस, ए माने अस्थियां हड्डी, और रे माने
रक्त, ये जब ये खत्म होगा तो ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, ये सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। चमार सब हैं, कोई चमड़े से न्यारा नहीं है। रविदास जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को ये बात समझाई, जब जाके उनको श्रोमणि की पदवी मिली है। कैसे बताते हैं, वाणी एक ही बोल लेंगे। ज्ञान वही जो आत्म चीने और ज्ञान कुछ नाही, चार दिशा का छोड़ आसरा, मगन रहे मन माही। सतगुरु रविदास जी ने कभी भी मंच या आसन की आस नहीं की, और हम तो पहले ही खोल कर देने के बाद गद्दी मारी होगी उन्हें। वे जब पीछे बैठते थे तो उन्हें अपने आप आदर सहित बुलाया जाता था कि नहीं महाराज, आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह यहां पर है। उन्होंने हमें उस ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है, वे आत्मदर्शी थे, इसीलिए संत श्रोमणि कहलाए। और ये भी बात सही है कि जो उस समय के संत महात्मा थे, जो उस समय के प्रसिद्ध संत महात्मा थे, उन्होंने सबने मिलकर उनको श्रोमणि की पदवी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वे सबको अपने से बड़ा मानते थे, अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानते थे। जो अपने आप को छोटा मानता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो अपने आप को बड़ा मानता है वो सबसे छोटा होता है। कैसे बताया? हाँ, भाई मनोज जी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे कोई कई प्रोग्राम यूट्यूब पर नहीं आते, ये प्रोग्राम चलता ही रहना चाहिए। हम अब तक ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हमें दुख है कि हमारा समाज आज तक अंधेरे में है, अभी प्रकाश में नहीं आया। जिस टाइम प्रकाश में आ जाएगा उस टाइम संत श्रोमणि गुरु रविदास जी का सपना पूरा हो जाएगा, वो राज जरूर आवेगा। सबको अन्न मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, और सब बराबर में बैठेंगे। कोई ऊंच नीच, छोट बड़ाई, कोई जातिवाद, कोई पंथ ग्रंथ कुछ नहीं होगा, सब समान होंगे, बराबर होंगे। हाँ, काशी में रहने वाले दुनिया में तेरी बड़ाई, कुंडी में गंगा बहाई, छोटे कुंडी रहने वाले।
पैसे बताए पहली कड़ी के अंदर। बन के रविदास गुरु दुनिया में आए, बन के रविदास गुरु दुनिया में आए। होया था अंधेरा जग में प्रकाश दिखाए, था अंधेरा जग में प्रकाश दिखाए। भाग करो से लड़े सदा रे ना माने, विपरो से ज्ञानी तुमने दिल में है जोत जगाई, हमारे रात को सत्संग क्यों होते हैं? सबके दिन में हो, क्योंकि वे हमें निकलने का कोई अधिकार नहीं था दिन में। प्रोग्राम तो बहुत बड़ी बात है, तो वे हमारे महापुरुष अंधेरे में ही हमें समझा कर रहे, भाई साहब सुतरे रहा करो, थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर दो तो तुम्हें सब बताओगे। कोई नहीं, जब हम मलिन रहेंगे तो हमें कौन बताओगा? तो ये ज्ञान देते थे वे, और हम समझ का आज कहाँ बैठे। आज हम अपने प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास से करते हैं। तो दूसरी कली के अंदर और उनके समय में तो उन्हें कोई बोलना ही नहीं देता, और आज तो हम मंच पर खड़े होकर बोल देते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब उन्हीं की देन है। रहने वाले दुनिया में तेरे बड़ा माध्यम से कैसे बता। दुनिया में आके कभी माने की, दुनिया में आके कभी माने किया, जग में वैसा कोई काम किया ना, जग में वैसा कोई Yeah।
बेगमपुरा, देश भारत देश को बेगमपुरा बनाना चाहते थे। यहाँ पर कोई गम ना हो, जिस देश में हम पैदा हुए वो देश पहले बेगमपुरा हो जा, संसार की तो बाद में देखेंगे। क्योंकि पहले अपना घर देखा जाएगा, और की तो बाद की बात है। पहले हमें अपने बच्चे सुधारने पड़ेंगे, अपने बच्चों का दुख सुख देखना पड़ेगा, बाद की बात है बाहर के दिखाने की। काशी कैसे बताया, काशी में रहने वाले दुनिया में तेरे बोला में बिना रहन दिए वे नुगे। यो तो भाई सबने सुधारण लाग रहा, और थारा गुलाम आगे कोई नहीं रहने का, इसे अंत काटो। और माता जाने के बाद में महाराज जी ने गंगा जी को अपनी झुपड़ी दे दी, वहां भी ना छोड़े। इस कली के अंदर के कह रहे, गंगा पे जाके तूने डेरा लगाया, गंगा पे जाके गुर ने डेरा लगाया, विप्रों ने आके वहां डेरा लगाया। आज से देखेंगे, आज से देखेंगे जो कितना शक्तिवान है, कितना शक्तिशाली है। लेकिन महाराज जी तो समर्थ थे, उन्होंने मुंह फेर दिया बड़ा बड़ा का। कैसे बताया, गंगा पे आके गुर ने तेरा लगाया, विप्रों ने आके वहां तेरा लगाया, सलखी डूबे जल ने सिला को तिराया, तेरा के चमार नाम हमें सिकंदर लोधी ने दिया था। जब सिंहासन पर बैठे ना, तनु कह दिया, ओए तू भी चमारी है,
तू भी चमारी है चाहे माने चमड़ा मैं माने मास तेरे अंदर सारी चीज है, तू भी चमारी है। सिका सिंहासन छोड़कर सिकंदर महाराज जी सिंहासन पर बैठाए और उनके सेवक बन गए। कैसे बताया तुमने? See you, man.